किशोर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी जो सवाल हमने रखे हैं वो सवाल जायज है? नेता के जुबानी जंग में मुद्दे, जन सरोकार की बातें, सरकार के जवाब, 5 साल तक सरकार जिन्होंने चलाया उनसे जवाब मांगे, जो सरकार चलाने वाले हैं उनसे बात करें, ये डायलॉग जो चुनाव प्रचार में होना चाहिए वो बिल्कुल गायब है। और ऐसे मसले, ऐसे बातें की जा रही है जिसका कोई सरोकार नहीं है लोगों से। सरकार 5 साल नहीं 10 साल चलाने वालों से सवाल है। 2009 में सवाल पूछे गए थे, अब 2009 के बाद से 2014 में तो आप सवाल पूछेंगे। दूसरा, सवाल पूछने वाले तो पूछ रहे हैं, जवाब देने वाले उन सवालों से भटकना चाहते हैं। जवाब देने वाले सवाल पूछ भी कहां रहे हैं? क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कौन सवाल पूछ रहे हैं आप बताइए कि आज पूरे की पूरी चीजें इतनी स्पष्ट हैं और स्पष्ट इतनी ज्यादा हो गई है कि कांग्रेस आज उनका जवाब नहीं दे पा रही है। आज ये बातें अभी मानो आनंद जी करे परकुशल उपदेश बतेरे वाली बात है। आनंद जी, उनको दूसरों की बातों में घमंड नजर आ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? क्या उनकी भाषा 10,000 करोड़ रुपए बोल दिया, कभी कुछ बोल देते हैं। मीडिया को मुझे लगता है फिल्मीकरण कर दिया है सारे सिस्टम को आप लोगों ने, सारे नेताओं ने, नेताओं ने मीडिया ने ज्यादा कर दिया, क्योंकि आपको वो चीज पसंद आती है, उन चीजों को ही आप बार बार दिखवाएंगे। जब बोलेंगे वही चीज तो क्या नहीं, उसके साथ में कितनी और चीजें बोली जा रही है, परंतु गलत चीजों का मीडिया अपनी तैयारी करता था। पहले भी पत्रकार थे, 10,000 करोड़ की फिगर बोली किसी ने, खर्च हो रहे हैं, राजनेता बात नहीं कर रहे, मीडिया एक नंबर दो नंबर सरकार है। तुम आज भी सरकार में जवाब तुमसे मैं पूछूं, मैं आज बीजेपी का पूछ रहा हूं, 10,000 करोड़ आपने बोल दिया, 9,000 करोड़ आप कह रहे हैं दो नंबर का लग रहा, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका सारा सिस्टम क्या कर रहा है? फिर आईबी, सीबीआई, सीआईडी, इलेक्शन कमीशन, 300 करोड़ रुपए पकड़ा है ना उन्होंने, बोल दिया फिगर आ रही है। आप लोग तैयारी पूछे, 300 करोड़ रुपए किस किस प्रदेश में पकड़ा गया, किस किस व्यक्ति का पकड़ा गया, नहीं कोई बात करेगा। आज मीडिया अपनी मेहनत करे, केवल कोसना आसान है आपको इस सिस्टम को, इस सिस्टम को कोस के केजरीवाल नेता बना दिया आपने, मीडिया ने बना दिया। केजरीवाल को 3 साल पहले कौन जानता था? आज आप लोग नेता क्रिएट कर रहे हैं जो बकवास ज्यादा करता है, जो काटने की बात करता है, बोटी बोटी करने की बात है, वो नेता आपकी नजर में है। क्योंकि एक फिल्म में एक हास्य अभिनेता भी चाहिए, लालू है, एक आदमी वो चाहिए जो बदमाश टाइप, आज तो आजम खान, इमरान खान, इस टाइप के लोग वो भाषा बोलेंगे। हमारे यहाँ भी एक आध होंगे ऐसे, परंतु आप एक आध होंगे है नहीं है। बराबर जी, परंतु आप लोग प्रमोट किसको कर रहे हैं? हम उनको तो नहीं प्रमोट करते, अच्छे लोग मीडिया में तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग रहते हैं। ये आज और उनके भाषण के अंश का अगर आप देखें, उनके अंश के अंदर जी सवाल जवाब तो होंगे, चुनाव के दौरान सवाल तो सवाल जवाब हो रहे हैं। आज एक आदमी इतनी बड़ी झूठ बोल दे कि सारी एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर ली, अरे एक भी सुप्रीम कोर्ट भी उसको कह रहा है कि बेस्ट पॉलिसी है, एक झगड़ा नहीं, एक एजिटेशन नहीं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर दोनों बढ़े हैं, ट्रॉफियां दे रहे हैं, और फिर ट्रॉफी की बात करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा क्या? मैं आपको गाली दूं जी, मैं आपको थप्पड़ मारूं तो गांधी वाले तो बहुत कम लोग हैं जो दूसरा गाल कर देंगे जी। और वो भी हमसे अपेक्षा करना कि कुछ भी बोलते रहें, सरकार में रह के झूठ बोलने वालों को एक्सपोज करना मीडिया का भी उतना ही दायित्व, जिसके अंदर सारा मीडिया इंक्लूडिंग आप जी वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बोलता रहे। गुजरात में मुझे नजर नहीं आया जो टूटा हुआ हॉस्पिटल जिसका बदले में बन चुका, उसको 2 दिन दिखा दिया मीडिया ने, देखो जी मैं देखा था हॉस्पिटल वो टूटा पड़ा है। तो झूठ बोलने वालों को फिर अगले दिन भी दिखाएंगे तो आपको भाई झूठ को प्रसारित करने में मदद कर रहे हैं, झूठ को प्रसारित करने में मीडिया मदद कर रही, और क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर पासा? या आप आपकी पार्टी के नेता हैं, आप हैं, आप तमाम लोग सच बोलते ही नहीं है, तो जो जब झूठ बोलेंगे तो झूठ प्रसारित होगा। ये बहुत ही दुखद है कि बहस की जो लेवल है इस वक्त पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जिस स्तर को ये बहस पहुंच गई है, मैं समझता हूं कि शायद इतनी गिरी हुई सतह कभी भी बहस की नहीं थी इससे पहले। और सारी चीज़ें बजाय आइडियोलॉजी पर फोकस्ड होने के, प्रोग्राम और पॉलिसी पर फोकस्ड होने के, बहस के रोजगार पे फोकस होने के, इसकी शुरुआत आपने की नहीं, हमने तो कह रहे हैं कि मीडिया को आपने, हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कह दिया, इन्होंने मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की। ये अपना ये बहसें इसलिए चल रही हैं व्यक्ति पर आधारित, और इतनी गिरी हुई बहसें एक दूसरे पर जो आक्षेप और कटाक्ष और ये सब चीजें जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक ही कारण है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो देश की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये 3 बड़ी समस्याएं हैं, और ये सब जुड़ी हुई हैं जाकर कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों से। और इन सवालों के जवाब जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, समस्याएं हैं, उनके जवाब न तो भारतीय जनता पार्टी के पास है,
न तो कांग्रेस के पास है। आप तो नए आए थे, आप तो व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, आप भी इस व्यवस्था में शामिल हो गए, आप उसी झूठ का प्रचार, उसी व्यक्तिवाद के पीछे आपने, आपकी नीतियां कहां गई, आपकी तमाम लोग कहां गए, एक ये कह देना कि बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। हम झूठ का प्रचार नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है सिस्टम में, और भ्रष्टाचार रीढ़ की हड्डी बन गई है सिस्टम की, इस व्यवस्था की। जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे आप उन समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे भ्रष्टाचार है। आप बीजेपी कांग्रेस को कह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भी वही रास्ते, उसी रास्ते आप चल पड़े हैं? आप कैसे कह सकते हैं, हमारी तो बुनियादी लड़ाई तो वही भ्रष्टाचार। आप कहते हैं कि ये सारे लोग करप्ट है बिना उसका कोई साक्ष्य दिए। हमारी देखिए, आप ये सुर्खियों में रहना तो बहुत आसान। करप्शन की, दिलीप जी, करप्शन के बारे में क्या कोई मिसाल देने की जरूरत है? इस वक्त आपके पास 2G के घोटाले मौजूद हैं, कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले मौजूद हैं, कोल ब्लॉक के साथ लेके सरकार बना रहे हैं, तमाम घोटाले मौजूद हैं के अंदर। आप जवाब मान लीजिए कि ये तमाम करप्शन के अनवर बड़े बड़े केसेस उन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई, एक एफआईआर नहीं कराई आपने। आप वही वो कह रहे हैं आपने सरकार बनाई, नेशनल दिल्ली में कॉमनवेल्थ केस करने का सवाल है। ये सिर्फ हमारी पार्टी की हुकूमत है जिसने शीला दीक्षित पर एफआईआर दर्ज किया, बताइए अंबानी पर एफआईआर दर्ज कराया, फिर झूठ पे बोल रहे हैं आप, सत्य बोल रहे हैं ये तो आप बताएं कौन सी एफआईआर दर्ज कराई आप? ये एफआईआर के तमाम सबूत बता देना फिर आपको, आज निकल बता देना आप, दिलीप जी और बता दीजिए शीला दीक्षित, चलिए बचाने के लिए एफआईआर में शीला जाकर सब ठीक है। दुनिया के सामने प्रोफेसर पासा साहब आपके पास फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन सुनील चोपड़ा जी, आखिर वो तमाम मुद्दे जिस पे लगातार आप 10 साल से 5 साल से लगातार आप स्कैम के बारे में, महंगाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तमाम फंडामेंटल इश्यूज आप बात करते रहते हैं, और चुनाव आते आते ये तमाम चीज सेक्युलरिज्म कम्युनिज्म के बीच में समेट कर आप रख देते हैं उस समय तक, ऐसा तो नहीं है। कहां है, हमने लगातार प्राइस वाइज की बात की है, हमने बताया है कि किस तरह से जो सब्जियों की प्राइसेस हैं वो 350% पिछले 10 सालों में बढ़ गई जी, जो प्याज की प्राइसेस हैं वो 521% बढ़ गई। अब जो लेटेस्ट फिगर्स, सवाल पूछना चाहता हूं आप, देखिए चुनाव से उसके अलावा बेरोजगारी का सवाल, चुनाव से पहले उसके अलावा जमीन का सवाल, सेक्युलरिज्म का सम्मेलन करते हैं लगातार, आप सेक्युलरिज्म सम्मेलन करते हैं, आप भ्रष्टाचार पे सम्मेलन नहीं करते हैं, आप महंगाई पे सम्मेलन नहीं करते हैं, आप 11 पार्टियों को बुला करके सेक्युलरिज्म पे सम्मेलन करते हैं, वो सेक्युलरिज्म या जनता के जो मसले, इस देश की एकता को बचाया था। अगर आप कश्मीर देखिए और अगर आप जूनागढ़ देखिए तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर हिंदुस्तान सेक्युलर देश ना होता तो हमारे देश का क्या हाल होना था, एक एक रियासत अलग होती। आज आप ये समझ, आप 47 में जाने 2014 के चुनाव को, 2014 के चुनाव 47 नहीं है, 5 साल मैं जूनागढ़ में था मोदी की रायत जो हुई है उससे पहले, और मैं आपको बता सकता हूं कि आज भी जूनागढ़ में वो रायत नहीं हुई थी जो पूरे गुजरात में हुई। तो मेरा ये कहना है ये 47 की बात नहीं है, ये सेक्युलरिज्म जहां जहां हिंदुस्तान की जनता ने उसकी नींव की ईंट रखी है आज भी मजबूत। चोपड़ा जी जो बीजेपी इतना ध्यान दिला दो, जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 8 बीजेपी के मुस्लिम काउंसिलर हैं। हम ये भी इस देश में कि जब से मोदी जी आए हैं गुजरात में एक भी MLA गुजरात के असेंबली में नहीं पहुंच पाया, मध्य प्रदेश में भी नहीं पहुंचा, मध्य प्रदेश में भी नहीं पहुंचाए ना आप लोग, तो ये भी याद दिला, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़। अगर आपको 5 अहम मुद्दे 10 अहम मुद्दे 2014 के चुनाव के लिए जनता के सामने रखना हो तो क्या रखेंगे आप? हम रखेंगे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रियाएं, और ये सब जो तमाम तमाशे हो रहे हैं इन बातों को छोड़ करके और व्यक्तिगत प्रहार तमाम किए जा रहे हैं, इनको रोकने का भी एक बड़ा भारी मुद्दा है जो कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
देखिए इसूज पर बात होनी चाहिए, बात सच है। क्यों नहीं हो रहा, वही तो मेरा सवाल है। तो वो कह रहे नंदकिशोर जी कह रहे हैं मीडिया जो है वो इस्यूज को लाने नहीं दे रहा है, व्यक्ति पे आप फोकस किए रखते हैं। देखिए एक बात आप लोग मानिए, नाराज होने से किसी को फायदा नहीं है। अगर आप ये कहें कि पॉलिटिकल लोगों में काफी गड़बड़ी आ गई है तो मैं एक मिनट में एक सेकंड में इसको मान लूंगा, मुझे देर नहीं लगेगी जी। आप मीडिया के लोगों को भी इस बात को मानने में बहुत विलंब नहीं करना चाहिए कि आपकी मीडिया का भी स्तर काफी गिरा है। उसकी वजह यह है कि समाज का एक जनरल एक जिसे कहते हैं कि डिजेनरेशन हुआ है सोसाइटी के सारे अंगों, व्यापक सवाल की समाज का। इसीलिए देखिए उसी का रिफ्लेक्शन है ये सब, आप किन सब चीजों को नहीं, इसका रिफ्लेक्शन है या सियासी हथकंडा है कि आप मुद्दों का जवाब नहीं दे सकते, आप जनता के सवाल का जवाब नेता नहीं दे सकते। हमारी बात तो सुनिए जी। देखिए ये सियासी हथकंडे भी जब बनने लगते हैं इस तरह के, तो उसमें डिटेरियरेशन का लेवल फिर कहीं ना कहीं और गहरा होता चला जाता है। और निश्चित रूप से राजनीति में मुद्दों को का राजनीतिकरण भी किया जाता है, क्योंकि राजनीति है ही राजनीतिकरण के लिए। लेकिन उसका जो व्यापक संदर्भ है और उसका जो पूरा आखिरी मतलब जो परिणाम है वो जनहित की दृष्टि से ही होना चाहिए और जनहित में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो चाहे आप कुछ भी करें केवल एक गिरावट को ही आप बढ़ावा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको मैं कुछ क्वोट करना चाहता हूं। देखिए आपको मैं कुछ 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 जो हमारे आप ये मीडिया के बारे में मत बात कीजिए। देखिए मैं एक चीज मैं मीडिया में गिरावट है यार, हम भी मानते हैं राजनीति में गिरावट है, यहाँ तक कि देश की सारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार फैल गया है। सच्चाई से क्यों आपको करना चाहते हैं? हरिकेश जी एक सवाल मैं आप, गुजरात मॉडल टॉफी मॉडल है राहुल गांधी कहते हैं, वरुण गांधी भटक गए हैं प्रियंका गांधी कहती हैं, प्रियंका शराब पीती है बहुत बदनाम है सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, राहुल मेले में घूमने वाले बच्चे हैं नरेंद्र मोदी कहते हैं, इसलिए राहुल को गुब्बारे दिखते हैं, मेरी उम्र गुब्बारों से खेलने की नहीं है, मुसलमानों से वो मिलेंगे तो मुसलमान उनसे प्यार करने लगेंगे नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये नहीं बताते हैं कि रोड मैप क्या है। जो कांग्रेस पहले अपना हिसाब दे, तो ये जो पूरी जंग है ये जो वाक युद्ध है इसमें जो असल मसले हैं, जो सवाल लोकतंत्र में, जो सवाल आप जब जनता के बीच में जाते हैं आप उन चीजों को ले जाते हैं। और राहुल गांधी की से अगर शुरुआत कर, जो मैंने आपसे पूछा वो कह रहे हैं कि टॉफी मॉडल है, क्या समझे देश? अब आप देखिए जितने स्टेटमेंट्स अभी आपने उद्धृत किए जी, कई स्टेटमेंट्स आपने बताए, इनमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनके पीछे कुछ सच्चाई होगी, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी के पास जब तक कोई प्रमाण ना हो तब तक किसी बात को जबरदस्ती दोहराने या कहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट इसमें हैं जो कि आउट ऑफ मैलिस किसी दुर्भावना के कारण भी लगता है कि शायद बोले गए हों, क्योंकि ये चीजें जो हो रही हैं इसी को तो रोकने की बात आप, इसी के लिए हमारा ख्याल आप चर्चा कर रहे होंगे ये रुके। कि जनमानस में एक भावना जानी चाहिए कि इस तरह की गलत बातें करने का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है इसको रोका जाए और जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन किया जाए। बिल्कुल, और उसी के बारे में नेता भाषण भी करें और काम करें और अपना रोड मैप भी बताएं समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहते हैं जी। तो ये चीजें होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो निश्चित रूप से गिरावट आएगी और वो गिरावट अंत में समाज को देश को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो डिस्कोर्स का लेवल हो वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और लोगों को इस समझ में आए ये बात कि जिन नेताओं के भरोसे वो देश को छोड़ना चाहते हैं वे नेता, उन नेताओं में संजीदगी है और वो निश्चित रूप से ईमानदारी से देश की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं जी। धर्मानी साहब जी, मीडिया की बात कह रहे हैं, मीडिया कहीं ना कहीं इन चीजों को ज्यादा तरजीह दे रहा है इसलिए ये लोग बोलने के लिए मजबूर हैं। देखिए या उनको सुर्खियां बटोरने की उनकी आदत पड़ गई है, देखिए मैं या मीडिया मेहनत नहीं कर रहा है जाके असल मुद्दों को जनता के सामने रखे। दलीप जी बात यह है कि हम मीडिया के से जुड़े हुए हैं इसलिए जब हमारे पर कोई आक्षेप करता है तो शायद हमें बुरा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आपकी क्रिएशन मीडिया के कुछ वर्ग, एक सेट वर्ग द्वारा किया गया और उसमें उनके जिस वर्ग ने किया वो वर्ग जाके शामिल भी हुआ और आपने देखा किस प्रकार की क्रिएशन आपकी हुई। तो एक हमें हम तो कहते हैं कि भाई जिस प्रकार की आलोचना है उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई अगर ढूंढी जाए तो अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है और मीडिया ऐसा करता रहा है
और मुझे लगता है कि मीडिया ने इस आलोचना को झेला है और उसके बाद इस पर मंथन भी हुआ है और इसमें कई कई चीजें निकल कर आई हैं और उस पर चर्चा चल रही है। आपको जैसे पेड न्यूज का पिछले दिनों चक्कर चला था, उस पर भी चीजें आई हैं, तो उसमें अगर किसी ने आलोचना की है तो अपने को उसमें इतना मुझे लगता है कि नहीं, सवाल है कि जो मेरे, सवाल मेरे, मुझे आप मैं एक मिनट बात कह लूं, मुझे लगता है कि जो अभी हरिकेश जी ने बात कही कि अब जिस प्रकार एक देश की सत्ता के जो स्तंभ माने जाते हैं, जो चलाते हैं इस देश के सिस्टम को, उसमें मीडिया की अहम भूमिका है और मीडिया की अहम भूमिका के ऊपर इस प्रकार की आलोचना राजनेता करते हैं। लेकिन मैं कई बार राजनेताओं से ये पूछता हूं कि जब आप इसको चौथा स्तंभ कहते हैं, आजादी के बाद से आज तक पार्लियामेंट के अंदर या किसी भी विधानसभा में रिकॉर्ड है, सारा सब रिकॉर्ड होता है, क्या इस स्तंभ पर आपने कोई चर्चा की, इसकी स्थिति पर कितने मिनट चर्चा की, और नहीं की तो क्यों नहीं की, क्यों आप इसको जर्जर होने दे रहे हैं, क्यों आप ऐसे एलिमेंट्स को इसमें आने दे रहे हैं जो आप जिनकी आप आलोचना कर सके, आखिर क्यों? जो मैं ये मानता हूं कि मीडिया जो चाहता है वो पाता रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, स्वतंत्रता आंदोलन में मिशन था मीडिया का, और जितने भी राजनेता आप जिनका भी नाम अगर आप लें, चाहे महात्मा गांधी से पहले के भी नेता रहे और अभी हाल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी तक अगर हम नाम लें, सबका अपना सार्वजनिक जीवन जो है वो पत्रकारिता से शुरू हुआ और मिशन के रूप में लेकर उन्होंने आंदोलन चलाए को सहयोग दिया और आजादी पर वहां तो आजादी अब जो मैं वही कह रहा हूं, अब जो मुद्दा है वो ये है कि औद्योगिक घरानों को जिस प्रकार छूट दी जा रही है वो इन लोगों ने दी है, इन लोगों ने दी है और उसी का परिणाम है कि ये आलोचना भी करते हैं जी। मुझे लगता है कि आपको खुद सोचना चाहिए और आज पर चर्चा करके इसको हमेशा हमेशा एक चीज देखिए, राहुल गांधी महाराष्ट्र के लातूर पहुंचते हैं, मैं अब वहां पे आ रहा हूं, मेरा ये कहना है, मैं सवाल वहां कहते हैं कि गुजरात का मॉडल टॉफी मॉडल है क्योंकि वहां उद्योगपतियों के हाथ कौड़ियों के मोल कीमती जमीन बेच दी गई, उद्योगपतियों का नाम नहीं बताते हैं, किस मूल्य पे क्या जमीन कौन सी जमीन बेचेगी ये नहीं बताते हैं, और इस एक बयान पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शहजादे का मन अभी भी बचपन के दिनों में है, तभी हर बात में उन्हें टॉफी नजर आती है। देखिए मेरे को ये लगता है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं जी, मेरा ये कहना है, पहले तो मीडिया की बात पे जो आपने बात कही, मैं ये कहना चाहता हूं अपना नंद किशोर जी से कि आप ये बताइए, आप सब चीजों की बात करते हैं, आप मीडिया की इंप्रूवमेंट के लिए जो आप कह रहे हैं, मीडिया के इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या करने वाले हैं, जो आपका रोड मैप है नंबर एक, कल्पना भी नहीं की जा सकती 10,000 करोड़ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, आप किसी ने आप जो बात कह रहे हैं मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने तो ये पूछा, आप रोड मैप बताइए ना, मैं आगे बात कर रहा हूं जो अभी आपने प्रश्न पूछा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मुद्दों से जानबूझकर राजनेता भटकाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और व्यक्तिगत आक्षेप, अभी आप देखिए किस प्रकार प्रियंका जो है अपने छोटे भाई के ऊपर आक्षेप कर रही है, मैं इसमें इस पूरे झगड़े में वरुण गांधी की जो स्पीच है उसको बहुत ही संयत और कितना उन्होंने ढंग से बात की है कि व्यक्तिगत आक्षेप का मुद्दा नहीं है, भारत की गरीबी का मुद्दा है, भारत के रोड मैप का मुद्दा है, वो मतलब उस जो सबसे मैं समझता हूं जूनियर एक राजनेता उभर रहा है उससे नेताओं को सीखने की आवश्यकता है, किस प्रकार ये व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर कर रहे हैं, किस प्रकार कारण क्या है जी, चलिए उसका कारण क्या है, ठीक है, जो कारण है कि इन लोगों के पास जनता की भलाई के लिए ना तो मुद्दे हैं, और अगर मुद्दे हैं तो चाहे आप ले लीजिए, आप वाले दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन जो इनसे पूछा जाए कि आपके क्या संबंध है, किससे क्या संबंध है, उसका कोई जवाब नहीं है, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं पर भारती के इशू पर न्यायपालिका गलत है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब भी यही करते हैं, जैसे आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्योंकि वहां उद्योगपतियों को के हाथ जो है कौड़ियों के दाम जमीन बेच दिए गए, अब उन्होंने बताया नहीं कुछ, उसका डिटेल नहीं दिया पब्लिक को ताकि जनता ये निर्णय कर पाती कि कहां पे क्या हो रहा है, आप उन तथ्यों को रखते, तथ्य नहीं रख रहे हैं, बोल रहे हैं और निकल रहे हैं,
तो यही काम आप भी करते रहे, इससे आपको सुर्खियां मिलती रही, मीडिया जो कह रहे हैं नंदकिशोर जी कि इस बातों को तरजीह देती रही, और ये अब एक सियासी हथकंडा बनते जा रहा है जिसको आपने दिल्ली में अपनाया, अब वो कांग्रेस और बीजेपी हर जगह अपना रही है या और पार्टियां। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी और उसी लड़ाई के उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकल करके सामने, आंदोलन अभी शुरू हुआ था उसका, नहीं 2-3 साल पहले से शुरू हो चुका है। जितनी संजीदगी से जन आंदोलन भ्रष्टाचार को लेकर के जीप कांड में पहले कृष्णा मेनन से लेके वो निशा आंदोलन पहले नहीं हुए, बड़े हुए वो होते रहे आंदोलन, लेकिन जिस तरह से पूरा देश आंदोलित 1974 में सारा युवा वर्ग सड़कों पर उतर के आया और इतना सपोर्ट मिला उस आंदोलन को जिस तरह से श्री अन्ना हजारे साहब की निगरानी में उनकी रहनुमाई में, उसको तो आपने हाईजैक कर लिया। वो हाईजैक नहीं हुआ, वो वही लड़ाई है जो आगे वो लड़ाई आगे बढ़ रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जितना हाईलाइट, अन्ना हजारे आपको क्यों छोड़कर चले गए, मानस को उसका नतीजा आपने असेंबली के इलेक्शन में, दिल्ली के असेंबली के इलेक्शन में देखा, जो बातें भ्रष्टाचार के हवाले से की जा रही है आप देखिए हो रही है कहां भटकने के लिए, उन्हीं बातों से जनता के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह के पर्सनल आक्षेप जो हो रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं और पार्टी पॉलिसी आइडियोलॉजी सबको पीछे रख करके व्यक्ति विशेष को आगे जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, आज क्या हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का कारण हो रहा है, ये इलेक्शन आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का कारण हो रहा है, इस बार भाजपा सरकार का नारा नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति को बढ़ाने के कारण नारा दे रही है कि अब की बार मोदी सरकार, जाहिर है कि जब व्यक्ति विशेष पर आधारित तो इसी तरह के कौन है और व्यक्ति विशेष के आचरण जानबूझकर केजरीवाल और झाड़ू हर जगह बेचा तो उसमें वो तो आप भी प्रचार कर रहे थे और भ्रष्टाचार की गंदगी सफाई झाड़ू भी आपके यहाँ देश डिमांड है कोई बता सकते हैं, एक केजरीवाल जी आप हर केजरीवाल को जनता जो है वो कमांडर है, आम आदमी पार्टी है इसमें जनता ही के हाथ साहब। प्रोफेसर साहब एक बात जान लीजिए जरा, आप इसको इस सच्चाइयों को जरा जानने की कोशिश करिए, उसे आप बिनाई करेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अभी एक व्यक्ति विशेष की बात राजनीति में उठाई है, व्यक्ति विशेष का महत्व तमाम पार्टियों में बना हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और वो महत्व एक सीमा से जब ज्यादा होता है तो वो एक प्रकार की तानाशाही के रूप में देश के सामने आने लगता है और इस पर बहुत चर्चा इस देश में बरसों से कई डिकेड से चल रही है सारी। अभी आप जिस व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, आपके पार्टी की स्थिति यह है, कभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आप ही के पार्टी से मेरे जानने वाले हैं आए थे मुझसे मिलने, मुझसे बात कर रहे थे, कुछ चर्चा आपके पार्टी के बारे में हुई, स्वाभाविक है होगी ही होगी, उस पर उन्होंने उनका खुद का स्टेटमेंट था कि हमारे नेता जो केजरीवाल साहब हैं वो किसी की बात सुनते ही नहीं हैं, वो अपनी ही वाली बात करते हैं और जो नहीं मानता है उसके प्रति उनका कोई वो नहीं है, लोगों में काफी परेशानी है, ऐसा वो बोले, अगर आप हमारी बात को सच मानते हो तो इतना सुन लीजिए, उन्होंने जो कहा मैं बता दिया। इस पर मेरी टिप्पणी क्या थी ये बात आप सुन लीजिए, मैंने उनसे कहा देखिए केजरीवाल साहब को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ, मैं उनको ये पा रहा हूँ कि वो सेल्फ ओपिनिएटेड एरोगेंट आदमी है और जो आदमी सेल्फ ओपिनिएटेड और एरोगेंट होता है वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी उसमें होती है, ये आमतौर से सारे डिक्टेटर्स में आप ये देख सकते हैं, और स्थिति ये है कि वो हर आदमी को गलत समझते हैं अपने अलावा, कांग्रेस में भी यही हाल है, वो हर पार्टी आप इन पार्टियों को जा रहे हैं, तो नई पार्टी देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए आई है उसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, बाकी पार्टियां तो गलत हो गई हैं सारे लोगों की निगाह में, लेकिन जो सही आई है उसका बता रहा हूँ, व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे परिवर्तन हो गए, उसी दलदल में किस तरह घुस रहे हैं कहीं उससे भी आगे ना बढ़ जाए, उसी साफ करने के लिए कचरे में घुसना पड़ गया, मुझे इजाजत दें तो कचरे में घुस कर उसी में डूब करके और कचरा पोत के बाहर आ मेन इशू को फिर मिस कर रहे हैं। असलियत ये है कि कल मैंने एक किताब का विमोचन देखा जो परंजय गुहा ठाकुरता ने निकाली है गैस के बारे में, तो हमने क्या नोट किया, हम पढ़ रहे हैं संजय बारू की किताब के बारे में भी, हम नोट कर रहे हैं कि पारिक की किताब के बारे में, हाँ पारिक साहब वहीं थे कल के विमोचन में,
लेकिन मेरा ये कहना है इन तीन किताबों से हमें क्या पता चलता है। ये सब तो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ये नहीं है, पीछे से ये हो रहा है। असलियत ये है कि सवाल मनमोहन सिंह या 10 जनपद का नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो सवाल है कि न रेसकोर्स रोड, न 10 जनपद किसी की अहमियत नहीं रही है। जिस हालत में आज अंबानी ग्रुप ने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया हुआ है, और जब अडानी की बात होती है तो हम देखते हैं तस्वीरें अडानी की, मोदी की, और हम देखते हैं तस्वीरें अडानी की और वाड्रा की। तो हमारा यह कहना है कि आज क्योंकि हमारी पॉलिटिकल क्लासेस को जो लोग देश को लूट रहे हैं, उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, जनता को शोषित कर रहे हैं, वो लोग आज इतने कंट्रोल में हैं कि पॉलिटिशियंस को बिल्कुल ड्रामा करने वाले लोगों की तरह ड्रामा करना पड़ता है अपनी शक्ल दिखाने के लिए, क्योंकि असली शक्ल कहीं और है और असली ताकत कहीं और है। अरे उनके कहने से तमाम टिकट लोगों को मिल जाते हैं, तमाम पार्टी exactly. और पद मिलते हैं, मिनिस्ट्री मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखिए नंदकिशोर जी, गंभीर विषय यहाँ पे है, गंभीर सवाल यहाँ पे है, ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है। ये सवाल उठाया जा रहा है परंतु उसको उभारा नहीं जा रहा है। मैं कह ये सवाल किसने उठाया है आज की तारीख, जिस तरह जो बातें उन्होंने की है, चोपड़ा जी ने बात कही जी, कोयले का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया, हंसराज अहीर भाजपा का सांसद, जिससे आज 10 लाख करोड़ तक की फिगर है, किसने उठाया। ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में चुनाव में नहीं है, चुनाव में है परंतु उसको उभर के नहीं आने जितना आना चाहिए। रिलायंस का सबको मालूम है कि आज रिलायंस हर पॉलिटिकल पार्टी को डिक्टेट करने की कोशिश करता है। जिस दिन वीपी सिंह ने उसको कंट्रोल किया थोड़ा, तो एक वाक्य बोला था ना उसने कि मैं आपकी माँ मुझसे कुछ बात कह गई थी राजीव जी से, और 5 मिनट मिलने के बाद ये जो वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप के बाद सारे रिलेशन ठीक हो गए। किसने उभारा, एक आदमी 1980 तक जिसका 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में था, आज उसका इतना बड़ा एम्पायर किसके राज में आया, किस किस की कृपा दृष्टि, सहारा देख लो, सबको मालूम है सहारा आज जेल में सुप्रीम कोर्ट की उससे है, आज 10,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट कह रहा जमा करा के हमारे पास आओ। 10,000 करोड़ की फिगर, मैं व्यापारी हूं, मैं इंडस्ट्री चलाता हूं, 10,000 करोड़ लिखने में बहुत टाइम लगता है, आजकल बोलने में आधा मिनट लगती है। आनंद शर्मा का ये तो ठीक है, लेकिन मुद्दे ये जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, ये मुद्दे जा रहे हैं, इसमें कोई नहीं ले जा रहा है, सारे मुद्दे गए हैं, ले जा रहे हैं कांग्रेस, आज कांग्रेस के फाइट में नहीं है, नहीं ले जा रहे हैं जी, कोई ऐसा जा चुके नहीं है आज, ये अगर कांग्रेस का तो भाजपा के आज उसी तरह जा रहा है, इसलिए मुद्दे नहीं बनाए जा रहे। कोई पार्टी सारे सुप्रीमो शब्द कौन प्रयोग करता है, मीडिया करता है, मायावती के लिए, जयललिता के लिए, ममता के लिए, किसने शब्द गढ़े, ये डिक्टेटरशिप की तरफ कैसे बढ़े। हर पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी, जिसमें अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हैं, नेता अरुण जेटली जी हैं, सुषमा जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, एक कतार है। आज कांग्रेस का प्रचारक दो, मनमोहन सिंह कोई बुला नहीं रहा, बुला ले तो कोई लोग नहीं सुनने जा रहे। चोपड़ा जी जैसे जो ऋषि तुल्य लोग मानता हूं मैं इनको, इनकी पार्टी की कहीं जिक्र नहीं आ रहा, केवल एक बार वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर 11 इकट्ठे हुए, तीसरे दिन पता चला फिर टूट फूट गए। आज इस देश प्रचार चल रहा है बहुत अच्छी तरह, सिवाय देश को आज मुद्दे बड़ी ताकत से आएंगे। देखिए आप सारे मोदी जी के, भाजपा के कौन से ऐसे नेता हैं जो आज प्रचारक हैं देश में, सारे कर रहे हैं, घूम रहे हमारे, इनके नाम आप लिए कोई भी कहीं प्रचार में दिखाई नहीं दे रहा, आपको नजर नहीं आया, आपका अपना चश्मा मीडिया में दिखा रहा है, वो कह रहे मीडिया नहीं दिखा रहा है, मीडिया भी खूब, मीडिया उसी को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि कौन सा नेता ने किस शब्द को आउट ऑफ रेफरेंस करके 2 दिन चला दिया। मलयाली मनोरमा किस दिन की बात है, ये कह देना कि भाजपा और मोदी की लहर एक जैसी है, कोई अंतर थोड़ी है। उसी बात में उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि मोदी की लहर नहीं है, बीजेपी की लहर है। हां तो क्या गलत क्या, व्हाट इज रॉन्ग, ये तो मुरली मनोहर जी से फिर यू टर्न क्यों लिए, नहीं यू टर्न कुछ नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जरूर से ज्यादा की, नहीं आज मोदी जी ने खुद कहा कि बीजेपी की लहर है, नहीं बीजेपी की लहर, मोदी कहां से अलग से कहीं कहीं कहें क्या, नहीं ये तो मीडिया ने बयान नहीं दिया ना, मीडिया ने तो सिर्फ दिखाया, मीडिया कब का बयान है, किस चीज में दिखा रहे हैं, और मीडिया एक ने दिखाया और बाकी उसकी नकल कहीं, आपका एक पोस्टर नहीं कहता पूरे देश में, वैसे एक सरकार भाजपा सरकार,
हमारी अगली बार भाजपा सरकार, ये आपको सारा सारा आपका पोस्टर कहता है अगली बार मोदी सरकार। चलिए चलिए हमें ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा जवाब जी। चलिए मीडिया नेताओं के उन जो चटपटे बयान होते हैं उसको दिखा करके हो सकता है टीआरपी और कुछ पॉपुलर लोगों के बीच में आने की न्यूज आएंगी, लेकिन लेकिन 3000 बच्चे हर साल गायब हो रहे हैं उसकी मैंने चर्चा नहीं की। लेकिन 3 भैंस आजम खान तीन भैंस गायब हो जाए वो चर्चा है, 3000 बच्चों के बारे में नेता भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। हजारों किसानों ने सुसाइड किया उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, मतलब 25 लाख लोग हर साल हिंदुस्तान में भूख से मर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे, वो कहते हैं ककड़ी है, ये लिस्ट निकाल के लाते हैं अरविंद केजरीवाल, वो लिस्ट नहीं निकालते अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी तो साफ करना है, ये आप गुजरात का फिगर तो देते हैं, मुझे ये लगता है वो भी फिगर कहना चाहता हूँ जी। आपने जो बात कही है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये जो मीडिया के ऊपर बार बार बात आती है, मीडिया का अपना एक लिमिटेशन, एक टाइम है जिसमें वो कुछ ने कुछ दिखाना है। नेताओं ने व्यवस्था को, समाज को इतना बांट दिया है, इतना खंडित कर दिया है, इतना सिस्टम खराब कर दिया है कि उसमें से कुछ दिखाते हैं, कुछ रह जाता है, उसको फिर ये कहते हैं कि हमारा गंद तो दिखा दिया, दूसरे का क्यों नहीं दिखाते हो। गंद इतना डाल चुके हैं ये अलग अलग कि अब मीडिया उसमें से कुछ दिखाता है, कुछ बच जाता है। मुझे ये लगता है जी, आज मैंने अभी मोदी की एक बात सुनी, मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा एनडीटीवी में कि आप उस सरकार से क्या जवाब नहीं पूछेंगे जो सरकार पिछले 12 साल से एक मुद्दे को 2002 के लेकर चली हुई है, फिर भी आज तक मेरे खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज कर पाई, क्या कारण है? ऐसी सरकार को क्या रहना चाहिए या ये सिर्फ इशू को उछालते रहें? सीबीआई दिखाकर कब तक समर्थन लेते रहोगे आप? ये जो इश्यूज हैं, जिन इश्यूज के ऊपर कोई बोलता है, ये इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इन इश्यूज से तब भटकाया जाता है जैसे अभी चोपड़ा जी कह रहे थे। आप मेरे को लगता है 65 साल से ज्यादा हमें आजादी को हो गए, वही सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या कास्टिज्म सांप्रदायिकता नहीं है? कितना बड़ा जवाब है, तो आप कास्टिज्म के ऊपर क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? आप नहीं बोलते हैं, सम्मेलन करते हैं, दुश्मनी भी करेंगे आप, देखिए मुझे सम्मेलन भी करेंगे। केरल के अंदर आप मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे तो आप सांप्रदायिक नहीं है। आप वेस्ट बंगाल में जो पार्टियां हैं जो सांप्रदायिक हैं, ठेठ जो जिनका कास्ट मुस्लिम लीग यूपीए में है, नहीं नहीं यूपीए की बात छोड़िए, आपके साथ ही आप बताइए, नहीं है एक एक एक, एक छोटे से लीग मुझे मुलायम सिंह से वापस कोई हो सकता है क्या? वापस आते हैं धर्मानी साहब, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सिर्फ समय कम रहेगा इसलिए हम सिर्फ ये चाहेंगे कि क्या ये वाकई जनता को गुमराह करने वाले भाषण हो रहे हैं ताकि जनता ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें मतदान किसके लिए और क्यों करना है।